नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां गोहाना में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव को लेकर जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। गोहाना में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव को लेकर जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि जन आशीर्वाद रैली में सोनीपत लोकसभा और रोहतक पानीपत की 22 विधानसभा को लेकर गोहाना में जन आशीर्वाद रैली रखी गयी। ये सभी 22 विधानसभा के प्रत्याशी मंच पर रहेंगे। वहीं रैली में सोनीपत, पानीपत, जींद, रोहतक, छज्जर के जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। रैली का समय 10 बजे का रखा गया। रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी मौजूद रहेंगे। इसी कड़ी में बीजेपी जिला अध्यक्ष जसबीर दोदवा ने बताया कि कल गोहाना में देश के प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रही हैं। इसमें 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गयी, जिसमे से 8 सेक्टर बनाए गए हैं। 22 विधानसभा को लेकर गोहाना में रखी गयी है। रैली में पहुँचने वाले लोगों के लिए किसी तरह की परेशानी न हो, इसको लेकर रैली स्थल पर अंदर कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था से लेकर पंखों की व्यवस्था तक की गई और रैली स्थल पर ही बिजली पानी की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गोहाना की पावन पवित्र भूमि पर आ रहे हैं। तो जनता जनार्दन सरोपरि है, जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो बैठने की, पीने के पानी की, तो उसी के लिए ये सारी टीम लगी हुई है और सारे सुरक्षा के सारे चाक चौबंद प्रोग्राम प्रबंध चला हुआ है जी। कितने विधानसभा की रैली है, किस तरह की व्यवस्था है? ये 22 विधानसभा की रैली है जी। इसमें 8 सेक्टर बनाए गए हैं और इसमें हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेकर 22 कैंडिडेट हैं, उन और विधानसभा के व्यक्ति यहाँ पर आए। कौन कौन सी है ये? सर, सोनीपत लोकसभा, रोहतक लोकसभा और जींद जिले की। बहरहाल, गोहाना में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी, जिसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। टोटल टीवी के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।